इंदौर में डकैती की योजना बनाते हुए सिकंदर ग्रोह, चारकुर के क्राइम ब्रांच और लसोड़िया पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस को उनके कब्जे से 12 बोर के 4 बंदूकें और कारतूस बरामद हुई है। वहीं एक आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। क्राइम ब्रांच और लसोड़िया पुलिस ने मिलकर एक अंतर डिस्ट्रिक्ट ग्रोह को पकड़ा है, जिसका सिकंदर ग्रोह नाम से ये जो अपना ग्रुप चलाते थे, और इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है डकैती की योजना बनाते हुए। एक उसमें भागने में सफल रहा अंधेरे में, और इनके पास से कब्जे की 4 12 बोर की बंदूकें मिली हैं, जो शासकीय वन विभाग की बंदूकें थी, जो 2017 में चोरी हुई थी देवास से, जिसमें प्रकरण भी कायम है और उसमें 10,000 का इनाम भी देवास पुलिस अधीक्षक द्वारा घोषित किया गया है। तो इसमें जो 4 आरोपी पकड़े गए हैं, उनका नाम है सिकंदर जो कि देवास का मुलता रहने वाला है, वसीम जो भी देवास का ही रहने वाला है, एक मोहम्मद जाकिर है जो कुड़ैल का रहने वाला है, और एक राम भरोसे जो हरदा का रहने वाला है। तो इन सब से पूछताछ की गई है, और एक लसोड़िया की घटना इन्होंने कबूल की है, देवास की घटना जिसमें शासकीय बंदूक गई थी वो कबूल की है, और भी पुरानी वारदातों के बारे में इनसे पूछताछ की जा रही है। ये जो क्राइम ब्रांच और लसोड़िया की पुलिस ने इनको जो पकड़ा है, वो TGV होटल के सामने बाईपास रोड से इनको पकड़ा है, और वहाँ से इनके पास से कब्जे से कारतूस और 4 12 बोर की बंदूकें जब्त हुई है। दरअसल आरोपियों ने साल 2017 में थाना बागली जिला देवास से फॉरेस्ट ऑफिसर के घर से सरकारी बंदूकें चुराई थी। साथ ही आरोपियों ने चोरी की कई वारदात कबूली है। इंदौर से न्यूज के लिए शहबाज खान की रिपोर्ट।